हाय आदित्य, स्वागत है आपका फीफा फूज में। थैंक यू सो मच। तो जानना चाहेंगे, काफी दिनों बाद आपने टीवी में कमबैक क्या किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार टीवी में तो मेरा कमबैक ऐसे, लेकिन और जिद्दी मारने के बाद मैं लग जा के लिए कर ही रहा था और फिर ये शो ऑफर हुआ। एक्चुअली काफ़ी सालों के बाद मुझे ये ब्रेक मिला फॉर रश्मि शर्मा प्रोडक्शन जाके, ताकि मैंने कई सालों तक मैंने यहाँ पर लेकिन आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ रश्मि शर्मा प्रोडक्शन, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। और इस बार मुझे मौका जब मुझे मिला तो ये इतना बड़ा कलर्स का शो मुझे आया। एंड मेरा शो जस्ट खत्म हुआ था लग जा गले, लेकिन द मंथ ऑफ मे 12th ऑफ मे वॉज द लास्ट डेट ऑफ द टेलीकास्ट। 4th ऑफ जून को आई साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, तो मुझे आई रियली फील सो ग्रेट एंड लकी टू बी द पार्ट ऑफ दिस शो। एंड आज सबसे बड़ी बात तो अगर एक अभी आज हम लोग एक अलग मुकाम में पहुँच गए, एक माइलस्टोन 100 एपिसोड्स हो गया हमारे शो के लिए, मतलब ग्रेट थिंग, ग्रेट जर्नी। जैसे कि आपने बताया कि आपने लग जा गले में काम करते, जर्नी वहाँ की खत्म हुई, दूसरा शो ऑफर हुआ, आपको बैठना नहीं पड़ा, टाइम स्पेंड करना पड़ा, कितनी खुशी, कितनी एक्साइटमेंट हुई आपको? भगवान है एंड भगवान देख रहे हैं, कहीं पर उन्होंने बहुत धक्के और चक्के भी मारे, बट जहाँ पे जो चीज़ मेरे लिए बनी है या जो चीज़ मेरे लिए लिखी है, आई थिंक वो मेरे लिए है। एंड मैं हमेशा यही सोचता हूँ, जैसे कि जिद्दी माने का भी मेरे लिए शो था, लोग आज भी मुझे कहते हैं, आज भी हमें DMs आते हैं कि उसका सीजन करवाएगा, तो मैं ये कहता हूँ कि यार सीजन तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब आएगा तो फैजी मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये वो रोल मैंने जो उठाया था, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई वो रोल फुल कर पाएगा। फैंस का प्यार इतना मिलता है कि वो सीजन 2 में भी आपको ही उस कैरेक्टर में देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने तो आंदोलन किया था, उन्होंने ये कहा था कि उनको सारे के सारे एक्टर्स जो हमारे सीजन में थे, सो वी वॉन्ट, उन्होंने आंदोलन ऐसा किया था कि उन्होंने ट्रेंड किया था ट्विटर पे दैट वी वॉन्ट जिद्दी दिल माने का सीजन 2 विद द सेम कास्ट, ये उनका आंदोलन, विद ऑल द सेम एक्टर्स ऑफ द सेम शो। तो मतलब यार इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारी लाइफ में, हमें जो ये चीज़ हमें इंडियन काम तक हम आ गए और इस लेवल पर हम पहुँच गए, तो यार ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जब लोगों का प्यार मिला है और शो के इस फायदा का है कि लोग आज भी शो के बारे में इतना प्यार दिखा रहे हैं, पर हमें शो का पार्ट होने का हिस्सा होने का मतलब मार्गदर्शन दे रहे हैं चैनल्स को, उसका सीजन पूरा है। जैसे कि देखा जा रहा है बिग बॉस सीजन 2 OTT स्टार्ट हो चुका है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? टाइम नहीं मिल रहा मुझे यहाँ से निकलते हुए, हालांकि जिया शंकर मुझे अच्छी लगती है, बट अभी मैं वो शो देखता नहीं हूँ, मुझे टाइम का नहीं था, मैं घर पे ही पहुँचता हूँ, मैं आपसे मतलब सुबह 8:30 बजे का कॉल टाइम होता है, घर पर पहुँचते पहुँचते 11:30 बज जाते हैं, मैं खा पी के सो जाता हूँ, वापस सुबह 6:30 बजे उठना पड़ता है, टाइम ही नहीं मिलता है। ओके, तो लास्टली चाहते हैं तो अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच यार, आज हम 100 एपिसोड्स में आए, एक अच्छा एक माइलस्टोन हुआ है हमारे शो का, आज सेलिब्रेशन हुआ एक तरह की। एंड मैं ये चाहता हूँ कि जो प्यार मुझे मेरे पिछले किरदारों के लिए, वो प्यार इस किरदार के लिए भी ऐसे ही देखे रहिएगा, और मेरे आने वाले आगे भी जो भी काम करते रहूँगा ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, आप है तो कुछ भी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बस keep watching us on 6:30 PM Monday to Sunday only on Colors TV called Subhadar. Thank you sir. Ek naam aur channel ID FIFA Fools. Hi, this is Arun Deshmukh and you're watching me at FIFA Fools. Thank you.